विदिशा में हरिवृद्ध आश्रम में 14 एमपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरविंद राणा के साथ एनसीसी कमांडो ने श्री हरिवृद्ध आश्रम का भ्रमण कर बुजुर्गों की सेवा के संस्कार सीखे। इस दौरान सभी एनसीसी कैडेटों ने वृद्धों से मिलकर बातचीत की एवं उनके अनुभवों को जाना और समझा। साथ ही में कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा 16 कुर्सियों, राशन और फलों का वितरण भी किया गया। कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा बताया गया कि हमारे देश के युवा इस तरह से सोचे कि हमारे घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम तक ना आना पड़े और एनसीसी कैडेट इस अनुभव को समझे और अपने घरों के बुजुर्गों का ध्यान रखे, उनका सम्मान करे। कर्नल अरविंद राणा ने बताया कि हमारा भ्रमण भी सामाजिक सेवा का एक हिस्सा है एवं कैंडिडेटों को मानवता एवं संवेदना का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हम 14 एमपी बटालियन एनसीसी विदिशा से हैं। मैं हूं, मेरे साथ मेरे एडम ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल यश शिब्बड़। मेरा नाम कर्नल अरविंद राणा है। मेरे पास 22 फौजी स्टाफ है और बाकी लोकल सिविलियन स्टाफ है। कैडेट्स हमारी बटालियन में तकरीबन 3500 हैं और इस वृद्धाश्रम में आना अब तकरीबन हमारी आदत में शामिल हो गया है। अगर मैं कहूँ तो तीसरी बार है जब हम कैडेट्स को लेकर के आए हैं और मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आज के बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, जो अभी स्कूल कॉलेज में हैं, वो यहाँ आएँ, वो देखें कि उपेक्षित जो माता पिता हैं, वृद्ध हैं, उनके रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ है। इस व्यवस्था से प्रेरणा लें और ये निर्णय लें कि उनके घर के बुजुर्गों के साथ ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जो सुख, जो संतुष्टि अपने घर परिवार में मिलती है वो आश्रम में कितनी ही अच्छी व्यवस्था हो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो बच्चे इस बात को समझें, समाज की हकीकत को जानें, इसको कम करें, इसकी ओर उनका ध्यान जाए। कल को वो किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बने तो इस ओर मदद करें। और साथ में हमारा मकसद रहता है कि हम थोड़ा समय बिताएं बुज़ुर्गों के साथ, एक दिन खुशी का दें उनको, और जो भी छोटा मोटा सहयोग हम संचालन में, व्यवस्था में कर पाएँ वो हम करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।